उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, तो वहां से करीब 800 किलोमीटर दूर अमरावती में भी ऐसे ही बर्बर हत्या को अंजाम दिया गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक केमिस्ट की हत्या कर दी गई। दवा विक्रेता का गला रेत कर मार डाला गया। वारदात बीते 21 जून की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वारदात का मुख्य आरोपी अभी फरार है। वारदात की जांच में एनआईए की टीम जुटी हुई है। गिरफ्तारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी का यह कहना है कि जिस तरीके से उदयपुर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसी तर्ज पर अमरावती में भी केमिस्ट उमेश की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और ऐसे में अब सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की मांग भी अब की जा रही है। तो अमरावती में उदयपुर पार्ट 2 कैसे हुआ, उमेश कोल्हे की कैसे गला रेत कर हत्या कर दी गई, हत्यारों का मकसद क्या था, इस रिपोर्ट में आप देखिए। महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर पार्ट 2। दवा विक्रेता की गला रेत कर बर्बर हत्या। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गला रेत कर मर्डर। अमरावती के इस बाजार में मातम पसरा हुआ है। इसी केमिस्ट शॉप के मालिक उमेश कोल्हे अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब उनके शव को देखा तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उमेश को तड़पा तड़पा कर गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया। इतने जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई थी। हत्या के बाद आनन फानन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस बर्बर हत्या में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, हालांकि मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस के मुताबिक उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून को तब की गई थी जब वो अपना मेडिकल स्टोर बंद करके घर जा रहे थे। राजस्थान के उदयपुर से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में भी उदयपुर जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उदयपुर जैसे महाराष्ट्र के अमरावती में भी एक शख्स मेडिकल स्टोर के मालिक जो 50 साल के हैं, वो सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट की तारीफ कर रहे थे और उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि इसी की वजह से कुछ लोगों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। अमरावती में हुई इस बर्बर हत्या को लेकर पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एक शख्स के कहने पर उन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस अब उस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। हिंदू की बात करने वाला व्यक्ति था जो उनका मेडिकल स्टोर अमरावती में था, जहां पे उन पे अचानक चाकू से हल्ला किया जाता है। हिंदुओं के बारे में पोस्ट करना, उदयपुर जैसी घटना ही अमरावती में हुई है, उसको दबाने का काम वहाँ की अमरावती की गार्डियन मिनिस्टर कांग्रेस की यशोमती ठाकुर, वो दबाने की कोशिश किया उन्होंने। वहाँ अमरावती की सीपी आरती सिंह, उन्होंने दबाने की कोशिश किया। अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोबाइल फोन समेत कई सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। वहीं इस हत्याकांड की जांच में अब एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस की टीमें भी जुट गई हैं। अभी तक की जांच में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोल्हे की हत्या हुई है। अब इस हत्याकांड के तार कहां कहां से जुड़े हैं, इस बात की जांच की जा रही है। तो अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके कहने पर बर्बर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन अमरावती में मेडिकल स्टोर चलाने वाले की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस केस में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहली गिरफ्तारी हुई है मुदस्सिर अहमद उर्फ सोनू राजा शेख इब्राहिम की। इसके साथ ही दूसरा आरोपी जो है वो है शाहरुख पठान उर्फ बादशाह हिदायत खान। इसके साथ ही अब्दुल तौफीक उर्फ नानू शेख तस्लीम, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। चौथी गिरफ्तारी हुई है शोहेब खान उर्फ बुरिया साबिर खान।
पांचवी गिरफ्तारी अतीफ रशीद उर्फ आदिल रशीफ की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही छठी और आखिरी गिरफ्तारी जो इस पूरे हत्याकांड में हुई है वो है डॉक्टर यूसुफ खान बहादुर खान की। तो ये छह गिरफ्तारियां हो चुकी है और ऐसे में अब बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। ये कह रही है कि उदयपुर में जो हत्याकांड किया गया उसी तर्ज पे अमरावती में भी उमेश को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अमरावती के डीसीपी ने दावा किया है कि यह बर्बर हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए सोशल मीडिया की पोस्ट पर किया गया। अभी तक उमेश कोल्ले मर्डर केस में हमने छह आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्ले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। और अब आपको दिखाते हैं अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई 10 बड़ी अपडेट्स। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा व्यापारी की गला रेत कर हत्या, उदयपुर की तर्ज पर वारदात को अंजाम देने की आशंका। 21 जून को हुई थी वारदात। अमरावती हत्याकांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बाइक से भागते दिखे आरोपी, मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। सीसीटीवी के आधार पर दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम, पड़ोसियों से भी हो रही है पूछताछ, सीसीटीवी में दिखी बाइक को भी किया जा रहा है ट्रेस। अमरावती हत्याकांड पर पुलिस का खुलासा, नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से उमेश कोल्हे की हत्या का शक है, मृतक ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के बयान का किया था समर्थन। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनआईए को सौंपी गई अमरावती हत्याकांड की जांच, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की अमरावती हत्याकांड की जांच की मांग, 27 जून को सांसद नवनीत राणा ने भी जांच के लिए अमित शाह को लिखी थी चिट्ठी। अमरावती मामले में बीजेपी सांसद अनिल भोंडे का बयान, कहा सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया उन सबको है खतरा, मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर करे पुलिस। विधायक रवि राणा का उद्धव सरकार पर आरोप, कहा मामले को दबाने की हुई थी कोशिश, पूरे मामले को रॉबरी का रूप देने की कोशिश हुई। हत्याकांड की जांच के लिए अमरावती पहुंची एनआईए की टीम, आरोपियों ने पूछताछ में किया खुलासा, एक शख्स के कहने पर वारदात को दिया था अंजाम।